मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 16 की स्टोरी। अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, सियामू अपने डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर ले जा रही थी। उसके डैड उसकी एक्ट्रेस बनने वाली बात से बहुत खुश थे, इसीलिए वहाँ के लोगों से बताने लगते हैं कि ये मेरी बेटी है जो कि एक एक्ट्रेस है। मीन्स वो सबसे अपनी खुशी जाहिर करने लगते हैं। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वो दोनों देखते हैं कि शिनमू एक छोटी सी बच्ची जो कि ऑब्वियसली यंग थी के साथ वहाँ से क्रॉस करता है। सियामू अपने डैड से कहती है कि आप थोड़ी देर मेरा यहीं पर हॉस्पिटल में वेट करो, मैं आती हूँ। फिर वो चिनमो के पीछे जाती है। इधर चिनमो यांग के साथ एक शॉप में आता है, यांग को उसकी पसंद की चीज़ें दिलाने लगता है। सियामू छुप छुप कर उसे फॉलो करती है, उस पर नज़र रखती है। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों के सामने आती है और चिनमो को अपने पास बुलाती है। चिनमो गुड बॉय की तरह शांति से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, यांग भी उसके साथ ही होती है। देन सियामू चिनमो से उस छोटी बच्ची के बारे में पूछती है कि ये कौन है। चिनमो जैसे ही बताने का करता है, यांग उसे डैड बुलाती है। सियामू ये सुनकर हैरान होती है, साथ ही चिनमो भी, और कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। फिर चिनमो सियामू की तरफ देखकर बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। इधर यांग बार बार उसे डैड बोलकर एड्रेस करती है। चिनमो खुद भी उसकी इस हरकत पर हैरान रहता है। और सियामू की बात करें तो उसे जलन बोलो या गुस्सा दोनों ही आता है। देन वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी फैमिली भी है और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। वो यांग को चिनमो का हाथ छोड़ने को बोलती है। जैसे ही यांग उससे अलग होती है, सियामू अपना बैग निकालकर चिनमो की उससे धुलाई करने लगती है। चिनमो उससे बार बार कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी बेटी नहीं है। बट सियामू उसकी एक नहीं सुनती और ऐसे ही उसकी धुलाई करती रहती है। इधर यांग बार बार उसे डैड बुलाकर आग में और घी डालने का काम करती है कि मेरे डैड को मत मारो, इन्हें हर्ट मत करो। सियामू चुप कहाँ रहने वाली थी। वो कहती है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, ये तुम्हें डैड बुला रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। चिनमो उसे बार बार बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, बट सियामू उसकी एक नहीं सुनती। फिर सियामू मुंह बनाती हुई उसे 2-3 गालियाँ देती है और वहाँ से चली आती है। चिनमो बस वहीं का वहीं खड़ा रहता है। यांग कहती है कि उससे जलन हो रही है। चिनमो थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि क्या सच में उसे जलन हो रही है। आगे सियामू एक ऑडिशन के लिए आती है, वहाँ और लोग भी होते हैं बट कास्टिंग टीम को किसी की एक्टिंग नहीं जमती। सियामू का टर्न आता है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। कास्टिंग टीम में फर्स्ट शो की डायरेक्टर भी थी जिसके अंडर सियामू ने मेंगुई के प्लेस पर फिल्म की थी। सियामू की एक्टिंग से वो लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इस फील्ड में न्यू हो, हमें तुम्हारी एक्टिंग पसंद आई। फिर डायरेक्टर जा बोलते हैं कि रिजल्ट तो हम बाद में कंपनी के साथ डिस्कस करके अनाउंस करेंगे और जैसा होगा तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेंगुई वहाँ उस कंपनी में आती है। सियामू उसे देखकर उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मेंगुई आंसर करती है कि मैं यहाँ इस मूवी में अपना पार्ट कन्फर्म करने आई हूँ। सियामू उससे पूछती है कि क्या वो भी इस मूवी में है। मेंगुई कहती है तो तुम्हें क्या लगता है। सियामू को लगता है कि वो उसका रोल चुराने आई है, तो कहती है कि मेरा रोल बहुत थोड़ा सा है, तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करने की क्या ज़रूरत है। मेंगुई हंसते हुए उससे कहती है कि तुम इस फील्ड में न्यू हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मेंगुई तो वहाँ से चली आती है बट सियामू वहीं के वहीं खड़ी रहती है। तभी चिनमो वहाँ आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। चिनमो कॉल पर अपना वर्क डिस्कस कर रहा होता है। सियामू उससे कहती है कि अगर तुम इतने ही बिजी हो तो मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम्हें उसकी टेंशन लेनी चाहिए। चिनमो रिफ्यूज़ करता है और कहता है कि मैं कितनी बार तुमसे बोलूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है। फिर चिनमो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑडिशन अरेंज किया है, अगर तुम चाहो तो उन्हें दे सकती हो। सियामू इस पर कुछ आंसर नहीं करती। देन चिनमो उससे पूछता है कि क्या चांगमिंग ने उसके लिए असिस्टेंट ढूंढ लिया, अगर नहीं तो मैं अगेन तुम्हारा असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। सियामू गुस्सा करती है और कहती है कि फालतू का बकवास करना है तो तुम मुझे यहीं उतार दो। आगे चिनमो शांत हो जाता है। सियामू को चांग का कॉल आता है, वो कहते हैं कि अगर उसे एक्ट्रेस बनना है तो इंडस्ट्री के लोगों के साथ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। फिर वो उसे एक लोकेशन सेंड करते हैं और वहाँ डिनर के लिए आने को बोलते हैं। आगे सियामू चिनमो को उसे वहीं छोड़ने को बोलती है।
चिनमो ऐसा ही करता है। सियामो वहाँ से जाने लगती है तो चिनमो उसे जाते देख सैड होता है। इधर चैंग सियामो से कहते हैं कि आज फर्स्ट शो के फिल्म का प्रीमियर है जहाँ बहुत सारे फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर होंगे। आई नो कि तुम्हारी सिस्टर के साथ थोड़ी अनबन चल रही है बट मुझे लगता है कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मे बी किसी की नज़र उस पर पड़ जाए और वो उसे एक मौका दें। सियामो जाने के लिए रेडी हो जाती है। सियामो प्रीमियर में आती है, सीसी से मिलती है। वो थोड़ी सी नर्वस लग रही थी, सीसी से बात करने के बाद नॉर्मल होती है। मेंगुई दूर खड़ी उसे देख रही थी। देन अपनी फ्रेंड लिजिन के साथ मिलकर वो कुछ प्लानिंग करती है। आगे सब बारी बारी से स्टेज पर जाती हैं, अपना हाथ वेव करती हैं। सामने में ढेर सारे मीडिया वाले थे जो उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। लिजिन सियामो के पीछे होती है, फिर वो आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है और अपना एक पैर सियामो की ड्रेस पर रख लेती है। सब अपना अपना हाथ मीडिया की तरफ वेव करती हैं। सियामो जैसे ही आगे बढ़ने का करती है उसका ड्रेस फट जाता है और वो वहीं गिर जाती है। सभी लोग उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। चिनमो भी वहीं था, वो भी ये सारा नज़ारा देखता है। उससे बहुत बुरा लगता है, अंदर से काफ़ी गुस्सा भी आता है। सीसी सियामो को संभालती है, सबसे सिंपथी पाने के लिए मेंगुई भी उसके पास आती है। वो लोग सियामो को अंदर ले जाती हैं। मेंगुई थोड़ा सस्पिशियस वे में उसे देखती हुई वहाँ से जाने लगती है। सियामो समझ जाती है कि ये सारा कुछ उसी ने किया है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल शांत रहती है। देन एक लड़की उसके पास आती है और उसे एक स्कार्फ देती है और कहती है कि ये स्कार्फ आपको किसी ने दिया है, जो कि ऑब्वियसली चिनमो ही था। सियामो स्कार्फ ले लेती है। फिल्म का प्रीमियर स्टार्ट होता है। मिस्टर सोंग और मेंगुई को फ्रंट में सबके सामने देखकर सियामो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रियल में तो इस फिल्म में एक्टिंग उसी ने की थी। इसीलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अंदर से वो काफ़ी सैड थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। चिनमो उसके पास आता है। सियामो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चिनमो आंसर करता है कि वो अपने काम से यहाँ आया था। सियामो को बुरा लगता है तो कहती है कि इट मीन्स तुमने मेरा वो एम्बेरसिंग मोमेंट भी देखा। चिनमो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर सियामो कहती है कि मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ बट मेरी सिस्टर मुझे कहीं भी नीचा दिखाने का एक भी मौका मिस नहीं करती। मैं तो सबके साथ ऑनेस्ट हूँ, दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, उनके साथ बिहेव भी अच्छे से करती हूँ बट फिर भी मुझे रिटर्निंग में ऐसा कुछ क्यों नहीं मिलता। बस बहुत हो गया, आज का दिन मैं हमेशा याद रखूँगी और आगे से दूसरों को अपना मजाक बनाने नहीं दूँगी। चिनमो के पास बोलने को कुछ नहीं होता तो वो बस चुप ही रहता है। इधर हम चैंग और बनाना को देखते हैं। बनाना उन्हें बताता है कि चिनमो एक सुपर रिच पर्सन है और अपनी फैमिली में सबसे बड़ा भी। चैंग ये जानकर थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि फिर चिनमो याओ मेंगुई के असिस्टेंट का जॉब क्यों कर रहा था और अब वो हमेशा सियामो के अगल बगल दिखता है। बनाना उससे कहता है कि अपने डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से वो हमेशा अलग अलग जॉब करता है। चैंग कहते हैं कि पहले वो याओ मेंगुई के पीछे था, जब वहाँ उसकी बात नहीं बनी तो अब उसकी जैसी सेम दिखने वाली लड़की सियामो के पीछे पड़ा है। बनाना कहता है कि कैसा हो अगर वो सियामो का असिस्टेंट बन जाए, इससे उसी का फ़ायदा होगा, अमीर लोगों के बीच उनका उठना बैठना होगा, सियामो को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बेसिकली बनाना चैंग को अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से शायद वो चिनमो को सियामो का असिस्टेंट रख लें। मेंगुई और सियामो एक गेम इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों अपना अपना गेम प्ले कर रही होती हैं, तभी अचानक से सियामो गिर जाती है। सभी का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। मेंगुई बस दूर खड़ी उसे देखती है। चिनमो सियामो के पास आता है, कहता है कि मैं इनका असिस्टेंट हूँ, मुझे देखने दो। आगे वो उसे एक रूम में लाता है। चिनमो उसकी चोट देखकर परेशान हो रहा था बट सियामो यहाँ बताती है कि ये चोट उसने जानबूझकर लगाई, अब उसे भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। इस चोट की वजह से सारे लोग उसकी फिक्र कर रहे थे और मेंगुई अकेली खड़ी थी। चिनमो शॉकिंग वे में उसे देखता रहता है। सियामो कहती है कि अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले थी, मुझ खुद में देखो कितना चेंज आ गया है। फिर वो बाहर आती है और होस्ट से बताती है कि उससे ज़्यादा चोट नहीं आई तो आगे वो गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेंगुई दूर से ही उसे सस्पिशियस वे में देखती रहती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेलगाई जिसकी आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ चारों एक दूसरे से अपना अपना लव कन्फेस करेंगे।
सो आप आगे का एपिसोड देखना मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में एक बेल आइकॉन भी है, आप उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।